जैसा कि हम लोगों ने पहले दिन के क्लास में पढ़ लिया था कि हमें सीखना है सेकेंड डे क्लास में क्या और कैसे शुरू करें। जो फर्स्ट डे आपने पढ़ लिया था तो जरूरत इस बात की है कि हमने पहले दिन का कोर्स सीख लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर लिया है, और सेकेंड डे में क्या सीखना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो बोथ द कोर्सेज वी हैव टू लिंक ऑल टुगेदर एंड देन वी हैव टू मेक प्रैक्टिस एट होम। तो आज जो कोर्स हमें सीखना है उसका नाम होगा सेकेंड डे क्लास, और सेकेंड डे के क्लास में बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हमें, चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हमें जीरो लेवल से शुरू करना है, तो जीरो लेवल से शुरू करना है। और तमाम सारे ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी से डर लगता है, तो जरा आप खुद ही बताओ ना, किसी को अंग्रेजी पढ़ने से डर लगता है क्या? नहीं ना। किसी को अंग्रेजी लिखने में डर लगता है क्या? नहीं ना। अगर डर लगता है तो उसे अंग्रेजी बोलने में, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पास वो अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं होती है। सो नाउ वी विल फोकस स्पेशली ऑन द प्रैक्टिस दैट विल गिव यू हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हम आपको अंग्रेजी बोलने की आदत डेवलप करने जा रहे हैं। अगर आपकी आदत डेवलप हो गई तो समझ लो आपको अंग्रेजी आ गई। आज के कोर्स में सीखना है क्वेश्चन आंसर, तो चलिए मैं फटाफट बोर्ड पे भी लिख के दिखाता हूं वो क्वेश्चन आंसर्स जो आज हमें सेकेंड डे में प्रैक्टिस करना है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए आपके अंग्रेजी बोलने का जादू कितना तेज चलता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। वेल, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है क्वेश्चन आंसर, हमें शुरुआत करनी थी कि क्वेश्चन आंसर हमें कैसे करनी है, और यही स्पीकिंग की बेस होगी। कह सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कह सकते हैं कि इफ वी वांट टू जस्ट गेट एनी आंसर फ्रॉम एनीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रेज अ क्वेश्चन। हमें सवाल करना होगा और फिर उस बंदे से हमें जवाब आएगी। तो अगर हमने अंग्रेजी में कुछ पूछना सीख लिया तो मतलब अंग्रेजी में जवाब आना शुरू हो जाएगा, और अगर हमने क्वेश्चन नहीं सीखा है अंग्रेजी में बोलना तो फिर क्या लगता है, हु विल गिव यू आंसर? तो यकीन जानिए आपके स्पीकिंग का जो बेस होगा, जान होगी, वो होगा क्वेश्चन आंसर। और मैंने पैटर्न भी सिखा दिया है कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन ऑन द सेकेंड डे वी हैव टू लर्न। सो लेट मी जस्ट इनिशिएट। जैसा कि ध्यान देंगे, मैंने लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो यकीन जान लीजिए इतनी बेस तरीके से मैंने शुरुआत कराई है ताकि कोई भी बंदा, इवन अ कॉमन स्ट्रीट वॉकर, कैन अंडरस्टैंड। जरूरत इस बात की है कि शुरू में हमें डर लगता है, और डर किन चीजों से लगता है, जो हमारे लिए मुश्किल होता है, जो हमारे लिए दाएं बाएं का खेल है, उसके लिए कौन सा डर। तो मैंने बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से शुरू करा दी है कि आपको बोलना क्या है, और इवन आज से ही, अभी से आप बोलने का जादू देखेंगे, बोलना आपको आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और मैंने डैश करी है। इस डैश के जगह पे कोई वर्ड मीनिंग पूछना है। तो यकीनन जान लें कि जब हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में हमें कभी वर्ड्स मीनिंग फंस जाते हैं, कभी उनकी हम स्पेलिंग नहीं जानते हैं, कभी ऐसी कोई चीज जिसे हम लोकेट करें पास या दूर की वो नहीं जानते हैं। तो हमें क्वेश्चन रेज करना होगा, हमें पूछना होगा। और यकीन जान लें द मैन हु क्वेश्चंस मच लर्न्स मच। जो जितना ही पूछता है वो उतना ही सीखता है। तो आज इस सीखने का प्रोसेस हम शुरू करेंगे स्पेशली क्वेश्चन आंसर बेस से। तो आपको करना क्या होगा, जो मैंने यहां पे डैश दे रखी है, इस डैश के जगह पे वही वर्ड बोलिए जो आप कॉमन अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, यानी कि जो आपको पहले से पता है उसकी प्रैक्टिस करिए। उसकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ताकि आपके मुंह को आदत लग जाएगी। अरे नए वर्ड्स तो मे बी डिफिकल्ट, मुश्किल होगा, और मुश्किल चीजें मुश्किल से ही निकलती हैं। तो आपको आसान से शुरुआत कराने की मेरी कोशिश होगी। आप ऐसे वर्ड्स को बोलिए जो बेहद ही आसान है, आपके स्टॉक में है, स्टॉक ऑफ योर माइंड है। तो क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और यहां पे क्या बोलना है, वही जो आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेयर, आपने यहां पे चेयर बोला।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर, अपने यहां पे डॉक्टर बोला जो पहले से आपको मालूम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक, जो आप पहले से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काई, जो पहले से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड, जो पहले से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचर, जो पहले से जानते हैं। सो मोर ऑफन मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं, ताकि जो चीजें जानते हैं वो फटाफट आपके मुंह से पानी की तरह से निकलेगा। तो आपने क्या करी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काई, ऐसे एक बंदा आपसे पूछेगा। अच्छा, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए तो जवाब कैसे देना होगा। सो हियर आई हैव रिटन, आप शुरुआत करेंगे द मीनिंग ऑफ, चूंकि यहां जो बोला गया था वही सेम बोलना है आपको। तो अभी क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काई, तो आप बोलेंगे द मीनिंग ऑफ स्काई इज आसमान। आपसे बोला गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड, तो आप बोलेंगे द मीनिंग ऑफ गॉड इज ईश्वर, भगवान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक, द मीनिंग ऑफ बुक इज किताब, पुस्तक, ऐसे बोलेंगे। सेकेंड हमने दे रखे हैं व्हाट इज द स्पेलिंग। मोर ऑफन आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी टीचर डिक्टेट करते हैं और उनके डिक्टेशन के समय कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको स्पेलिंग की जानकारी नहीं है, तो कभी इधर झांकता है कभी उधर झांकता है, तब तक टीचर दो लाइन और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा ताका जाके नहीं करना, रेज हैंड, सर व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वो बात जो आपको फंसी है। आपने क्या बोला है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ और वो बात जो आपको फंसी थी, वही पूछना था। लेकिन आज चूंकि हमें मॉक प्रैक्टिस करना है, नकली प्रैक्टिस करना है, तो नकली प्रैक्टिस के दौरान हमें करना क्या होगा, वही बोलिए जो पहले से आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, आपको पहले से पता है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, तो आप ऐसे जवाब देंगे द स्पेलिंग ऑफ टीचर इज टी ई ए सी एच ई आर। अच्छा, एक ध्यान देने वाली चीज होगी, लिखते समय तीनों जगह एक ही बात लिखनी है, बस प्रैक्टिस है, क्योंकि सुन की स्पेलिंग है ना। तो आपने क्या बोला, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, तो आप बोलेंगे द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर इज डी ओ सी टी ओ आर। आपने बोला व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेन, तो बोलेंगे द स्पेलिंग ऑफ पेन इज पी ई एन। अच्छा, एक सबसे खास बात नोटिस करिए, जो क्वेश्चन था यहां पे डैश और सेम वही एक सेकेंड क्वेश्चन में भी डैश है, इस पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल सकते हैं। अगर आपने हिंदी बोला का मतलब इंग्लिश जाना चाहते हैं और इंग्लिश बोला का मतलब हिंदी जाना चाहते हैं। अब कोई ये सवाल करे सर स्पेलिंग तो हमेशा इंग्लिश का ही होता है, यकीनन इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फीडिंग हो रहा है, डेटा फीड हो रहा है। तो ऑनलाइन डेटा फीडिंग में आपका नाम तो इंग्लिश में ही लिखना है, उसकी भी तो स्पेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल सर व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सुमित्रा, किसी का नाम है सुमित्रा, अब अगर गलत भर दिया तो जिंदगी भर उसका नाम गलत ही रह जाएगा। तो आपने क्या बोला व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सुमित्रा, तो आंसर बोलेंगे द स्पेलिंग ऑफ सुमित्रा इज एस यू एम आई टी आर ए, ऐसे बोलेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान दें, व्हाट इज दिस ऑब्लिक दैट, अब आपको क्या बोलना है, दिस ऑब्लिक दैट। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में है, व्हाट इज दिस, ऐसे बोले। और जो चीजें पास में है उनके लिए दिस, और जो चीजें हमसे दूर होती हैं उनके लिए दैट, और दोनों के लिए इंडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यानी कि आपको इंडिकेट करना है, और दूर की चीजों के लिए दैट बोलेंगे, व्हाट इज दैट। तो आपका आंसर होगा दिस ऑब्लिक दैट, जो क्वेश्चन होगा उसे बोलेंगे, फिर इज, और उसके बाद से जो चीज जिसके तरफ इंडिकेट किया था वो बोला। फॉर एग्जांपल हमने कहा व्हाट इज दैट, तो आपने कहा दैट इज बॉटल। आपने बोला व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे दिस इज नोज। और व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ, जैसे कि क्लास का प्लान है कि हिंदी बोलने पे फाइन देना पड़ेगा, लेकिन फाइन से बचने का प्लान भी तो बताइए। तो मैंने आपको प्लान सिखा दिया कि ऐसे सेंटेंस भी बोलेंगे और आपको फाइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ, और यहां पे एक पूरी लाइन बोलनी है वो भी हिंदी का। अब सपोज करिए कल आपको नहीं आना है, तो आपने टीचर से क्या बोला, सर व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ कल मैं नहीं आऊंगा, यानी कि ये बात इंग्लिश में कैसे बोलनी है, ये टीचर से ट्रांसलेशन पूछ रहे। तो क्या बोला आपने, सर व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ कल मैं नहीं आऊंगा,
तो टीचर जवाब देगा द ट्रांसलेशन ऑफ कल मैं नहीं आऊंगा इज आई विल नॉट कम टुमारो। आपने बोला सर व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ लिखना बंद करो, तो आप बोलेंगे द ट्रांसलेशन ऑफ लिखना बंद करो इज स्टॉप राइटिंग। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ मुस्कुराना बंद करो, द ट्रांसलेशन ऑफ मुस्कुराना बंद करो इज स्टॉप स्माइलिंग। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ नाचना बंद करो, द ट्रांसलेशन ऑफ नाचना बंद करो इज स्टॉप डांसिंग। तो ये रहे आपके पैटर्न जो आपको पूछना होगा। अच्छा ये तो मॉक प्रैक्टिस थी, नकली प्रैक्टिस थी, छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब किसी को आपसे पूछना होगा तो क्या लगता है वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैन, वो स्टैंडर्ड पूछ सकता है, स्टैंडर्ड स्पेलिंग आपसे पूछ सकता है और स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन पूछ सकता है। मे बी आपके पास आंसर ना हो, तो आंसर नहीं है तो भी एक खूबसूरत सा जवाब मैं आपको सिखा देता हूं आपको क्या बोलना होगा। यहां देख वो सारे क्वेश्चंस जो आपके पास नहीं है, अगर आंसर जानते हैं तो फर्स्ट क्लास, अगर नहीं जानते हैं तब क्या बोलेंगे, फट से बोलेंगे विदाउट थिंकिंग विदाउट गेटिंग डिले, फट से बोलेंगे सॉरी। क्या बोलेंगे? सॉरी आई डोंट नो, माफ कीजिए सर मुझे नहीं मालूम, सॉरी आई डोंट नो। अगर चाहते हैं कि जिस बंदे ने आपसे पूछे वही आपको जवाब दे दे तो क्या बोलेंगे, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। तो ये आपके रहे पैटर्न, मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं और आंसर आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको दे दिया है कि आप बोलेंगे सॉरी आई डोंट नो प्लीज टेल मी। अच्छा ये तो हो गई, सेकेंड डे का क्लास हमारा खत्म हुआ, लेकिन एक और चीजें सीखनी है कि इनको फिर फर्स्ट डे से लिंक करना है। तो फर्स्ट डे में जैसा आपने सीखा था हेलो आई एम नियाजुद्दीन, फिर सामने वाले बंदा ने बोला था हाय आई एम, उसने अपना नाम बताया था, फिर आपका प्रैक्टिस हुआ था हाउ आर यू, फिर आपने बोला था फाइन थैंक यू एंड यू, फिर उसके बाद से आपने बोला था आई एम ऑल्सो वेल, उसके बाद आपने क्या बोला प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, फिर बंदा बोला वेल आई एम नियाजुद्दीन आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, और ऐसे करके आपने अपनी सेल्फ इंट्रो पूरी की थी, और फिर पूरा करने के बाद से आपने बोला था व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू, और आपका क्या है आप भी तो बता दो, तो फिर उसने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब फिर हमारी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब आप सवाल करेंगे, वो क्या होगी, मैं आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, तो सामने वाला बंदा बोलेगा या श्योर व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स, यस प्लीज, यानी कि जवाब देने के ये सारे तरीके हैं। अगर किसी ने पूछा है मैं आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, तो आपका जवाब होगा या श्योर व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स, यस प्लीज, कोई एक जवाब दे देंगे। अब जैसे ही आपको हामी मिलता है या श्योर यस प्लीज व्हाई नॉट यस ऑफ कोर्स, तो आप क्या बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर, अब सवाल का सिलसिला शुरू होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर, क्योंकि मॉक प्रैक्टिस है और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, रूल भी है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस होगी आप में उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। तो क्या बोला आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर, तो आपका आंसर होगा द मीनिंग ऑफ डॉक्टर इज चिकित्सक, या फिर डॉक्टर भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, तो आपने क्या बोला द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर इज डी ओ सी टी ओ आर, फिर आपने बोला है व्हाट इज दिस, तो आपने क्या बोला दिस इज बोल्ड मार्कर, और फिर नेक्स्ट क्या था व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ मजाक करना बंद करो, तो आप बोलेंगे द ट्रांसलेशन ऑफ मजाक करना बंद करो इज स्टॉप जोकिंग, या फिर स्टॉप कटिंग जोक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा क्योंकि आंसर आपको आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस मॉक है तो ये बोलना जरूर सीखिए, क्योंकि इन केस कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाए, ऐसी टाइम आ जाए जब आपके पास आंसर नहीं है तो आप बोलेंगे सॉरी आई डोंट नो प्लीज टेल मी, तो पहले से प्रैक्टिस रखेंगे तो एट अ टाइम आपके मुंह से निकल पाएगा। तो ये रहे फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों को लिंक करने का तरीका, दोनों को लिंक करिए और फिर जम के बोलिए, और मैं तो कहता हूं सभी को इंप्रेस करिए, इट इज योर ड्यूटी टू इंप्रेस एवरीवन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।